हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स तो ये देखिए फ्रेंड्स आज मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही प्यारा सा डोरमेट का डिज़ाइन जो कि एक मल्टी कलर डोरमेट होगा तो यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगे ऊन ले रखे हैं और आज मैं आपको बिल्कुल ही मल्टी कलर ऊन से बनाना बताऊंगी डिज़ाइन को तो अगर आपके पास भी छोटे छोटे बॉल जो हमारे ऊन के बच जाते हैं जिनका हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन से डोरमेट में यूज करें तो आपके लिए एक बेस्ट डोरमेट है जो मैं आज बताने जा रही हूँ आपको तो चलिए वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएगा कैसा लगा और लाइक तो कर ही दीजिएगा तो चलिए मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताऊंगी कि इस डोरमेट के डिज़ाइन को कैसे बनाना है आपको तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई में जो है फंदे डाल रखे हैं तो आप भी अपने किसी भी कलर से फंदे जो है नहीं डालना आपको मैं आपको बताती हूँ एक कलर जो होगा हमारा ये बेस कलर होगा जो कि हम यहाँ पे डालेंगे ठीक है तो हमने ब्लू कलर का बेस कलर रखा बाकी ये हमारे जो है बाहर की पत्तियों को बनाने के लिए ये मल्टी कलर हमने रखे हैं ठीक है, है? चलिए तो एक आपको जो बाहर की साइड जो अंदर की साइड आपको कलर रखना अपना बेस कलर उससे आपको फंदे डालने होंगे ठीक है और बाकी जो गोले आप छोटे छोटे बचे होंगे आपके पास जो बाहर की साइड लगाना होगा उससे नहीं डालना है ठीक है तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का लिया है और मैंने यहाँ पे फंदे डाली है तो टोटिस सम्... टोटल हमने यहाँ पे फंदे डाले हैं फ्रेंड्स टू के मल्टीपल फंदे आपको डालने हैं यहाँ पे और फंदे ऐसे डालने के जिन्हें हाफ करने पे भी बराबर हो तो अट्ठाइस का आधा होता है देखिए चौदह और चौदह ठीक है आप बत्तीस फंदों को बना सकते हैं सोलह सोलह और चालीस फंदों को बना सकते हैं बीस बीस तो ऐसे करके आपको अपने जो हमारे फंदे हैं उनको आपको अपने जोड़े के हिसाब से रख लेना है तो यहाँ पे देखिए पहली सिलाई से डिज़ाइन जो है वो बनने लगेगी तो चलिए पहली सिलाई जो है देखिए क्या करना है सबसे स्टार्टिंग में ये देखिए यहाँ से हम पहले यहाँ पे हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे एक सिलाई ठीक है तो बहुत सुंदर डिज़ाइन है फ्रेंड्स तो ज़रूर देखिएगा बनाइएगा काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत आसान है तो बिगनर्स भी इसे बहुत ही आसानी से बना लेंगे तो मल्टी कलर डोरमेट बनाइए अपने घर को सजाइए और तीस त्यौहार तो आ ही रहे हैं अब है ना आ, जैसे दिवाली आने वाली है अब ठीक है दशहरा आने वाला है हमारा तो इन सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं और गिफ्ट के पर्पज़ से भी ये बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल सिंपल पहले एक सिलाई हमें ऐसे निकाल लेनी है इसकी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है सिंपल सिंपल सा आपको ऐसे ही बुनना है उल्टा उल्टा इस वाले फंदे को हम यहाँ से सीधा बुनेंगे एक फंदा हमें यहाँ पर सीधा बुनना है ठीक है देखिए हमने यहाँ पर सीधा बना दिया अब देखिए अब यहाँ से क्या करना है अब यहाँ से वापस और यहाँ से अब फ्रेंड्स हमें अपना दूसरा कलर ऐड करना है तो यहाँ पे चलिए हम दूसरा कलर जो हमारा है हम यहाँ पे येलो कलर ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐसे नॉट लगा लेंगे इन्हें अभी साइड में रखते हैं हम ठीक है जब लगाना होगा तब तो यहाँ पर देखिए क्या करना है सिंपल सा आपको एक नॉट लगा लेना है तो यहाँ पर देखिए हमने एक नॉट लगा लिया अब देखिए क्या करना है अब यहाँ से ये यह देखिए येलो से बनाना है एक दो दो फंदा येलो से ठीक है उसके बाद यहाँ से जो हमारे सारे फंदे हैं उनको हम ब्लू कलर से बनाएंगे ठीक है दो दो फंदा हमें जो है अपना येलो से बनाते रहना है ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा बहुत अच्छी डिज़ाइन है इसे फंसा लीजिएगा हमारा थोड़ा लंबा हो गया आप चाहो तो अच्छे से नोट ला के कट भी कर सकते हो ठीक है दो फंदा देखिए हमने ब्लू वाले को जो था येलो ऐड किया और येलो से कर दिया स्टार्टिंग में ही और यहां से कुछ नहीं है जो जैसे है वैसे बनाते हुए आपको मैं दिखाती काफी अच्छी डिज़ाइन है बहुत ईजी है तो ये यह देखिए यहाँ से हमने ये दो फंदे हमने बगैर बुने छोड़ देने हैं ठीक है और यहीं से हो जाना है वापस वापस होने के साथ इसको ऐसे उतार लीजिए बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं आप ये हमारी सीधी साइड रहेगी वो उल्टी साइड थी ये सीधी साइड है तो सीधी साइड में देखिए फ्रेंड जो जैसे होता है उसे वैसे ही बनाना होता है ठीक है देखिए सीधी साइड में कुछ नहीं करना है। जो जैसे बिल्कुल वैसे ही कलर को चेंज करते हुए बनाना है यहाँ पे देखिए अभी हमारा येलो है तो इसको पीछे कर देंगे ब्लू को और येलो कलर को हमें हम यहाँ से ऐसे क्रॉस कराते हुए पीछे से आगे लाते हुए ये देखिए एक फंदा हो गया अब इसको पीछे करके ये वाला फंदा जो इसको सीधा बनाना है ठीक है यहाँ का फंदा हर बार हमारा सीधा बनेगा अब देखिए अब क्या करना है अब इसको उतार लेंगे क्योंकि हमने उल्टे साइड से सीधे साइड से इसको सीधा बनाया था तो देखिए ये दो फंदा हो गया अब यहाँ से फिर दो फंदा ले लेंगे एक दो सॉरी ये देखिए चार फंदे हो गए दो पहले के थे दो अब हो गए और यहाँ से ब्लू कलर से ही बनाएंगे ये देखिए यहाँ पे हमने फिर से दो फंदे ये छोड़ दिए और यहीं से वापस ठीक है और यहाँ से फ्रेंड्स फिर से जो जैसे है उसको वैसे ही बनाना तो चलिए एक बार मैं और आपको दिखा देती हूँ आप इस फंदे को उतार भी सकते हैं ये दो फंदे छोड़ के जब वापस होते हैं इसको उतार भी सकते हैं बना भी सकते हैं अभी हमने उतार के भी दिखाई ये देखिए हमने बना के भी दिखा दिया आपको ठीक है आपके ऊपर डिपेंड करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये देखिए हो गया अब इसको पीछे करेंगे और यहाँ से देखिए ऐसे करते हुए ब्लू कोबर करके इसको नीचे से ले आना है एक दो तीन इसको पीछे करके ये वाला फंदा सीधा ठीक है सॉरी ये देखिए इसको हर बार सीधा ही बनाना है ये देखिए फिर से आ गया अपने उल्टे साइड और फिर से हमें वैसे ही करना है ठीक है ये देखिए क्या करना है फिर से इसको उतार लेंगे देखिए एक दो हो गया तीन चार दो फंदे फिर यहाँ से ले लेंगे एक दो देखिए यहाँ पे छः फंदे हो गए हमारे और यहाँ से फिर से जो जैसे है ये देखिए यहाँ आप पे हमने फिर से दो फंदे छोड़ दिए तो देखिए छः फंदे हमारे यहाँ पे येलो के हो गए और दो दो करके यहाँ पे भी छः फंदे छूट चुके हैं ठीक है यहीं से वापस होके जो जैसे है वैसे ही बन जाएगा ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स इसको मैं थोड़ा और नीचे तक आती हूँ ठीक है हमने यहाँ पे छः फंदे किए हैं और यहाँ पे दो दो करके छः फंदे छोड़ भी दिए तो सेम ऐसे ही आपको उल्टे साइड से दो दो फंदे नीचे की ओर आना है और यहाँ से दो दो फंदा छोड़ना है ठीक है जब हमारे पास यहाँ चार फंदे ब्लू के बचेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या करना है ठीक है बाकी आप भी ऐसे दो दो फंदे नीचे आइए और यहाँ से दो दो फंदे छोड़िए चार फंदे जो हमारे पास ब्लू के बचते हैं तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बना लिया और अब हमारे तो पास देखिए केवल ये चार फंदे ये वाले चार फंदे ये देखिए केवल ब्लू के चार फंदे यहाँ पे बचे हुए हैं बाकी ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः बारह फंदे देखिए यहाँ छूट गए हैं बाकी देखिए दो दु चार, दु दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह बारह फंदे यहाँ पर हमने बना भी लिया अब चार फंदे हैं देखिए तो अब क्या करना है टोटल हमारे अट्ठाईस फंदे थे तो देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और दो फंदे यहाँ से ले लेंगे तेरह चौदह चौदह फंदे हो गए दो फंदे हमने फिर से यहाँ पर छोड़ दिए चार फंदे थे तो तो यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात ठीक है सात दो नहीं चौदह ये हो गए चौदह ये हो गए अट्ठाईस में से देखिए दोनों फंदे हमारे बराबर बराबर हो गए चौदह इधर छूट गए चौदह यहाँ हम नीचे भी आ गए अब यहाँ से वापस होंगे और यहाँ से जो जैसे है उसको ऐसे बनाएंगे ठीक है अब इसके बाद जो है डिज़ाइन देखिए थोड़ी सी चेंज हो जाएगी तो ध्यान दीजिएगा आप बाकी बहुत ही सिंपल सा है ये देखिए ये हुआ इसको पीछे करके ये वाला सीधा ठीक है तो ये देखिए ये हमारा हाफ जो है बन चुका है अब देखिए क्या करना है यहाँ से अभी तक फ्रेंड्स हम ये ब्लू वाले दो दो करके छोड़ देते हैं ठीक है तो अब हमारे ब्लू वाले जो है देखिए यहाँ तक के फंदे छूट गए अब हम येलो वाले में से दो दो फंदे छोड़ेंगे ठीक है क्योंकि छोड़ना हमें दो दो करके सारे फंदों को तो अब हम देखिए अब ब्लू यहाँ तक का छूट गया है और यहाँ से हमारे जो है चौदह फंदे येल्लो के बने हुए हैं तो अब देखिए क्या करेंगे यहाँ से इसको उतारा दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह फंदे में बनाए दो फंदे यहाँ पे येलो वाले छोड़ दिए ब्लू जो ऊन है वो यहीं पे रहेगा यहीं से वापस हो जाएंगे दो फंदे छोड़ने के साथ और यहाँ से जो जैसे है उसको वैसे बना लेंगे काफ़ी ही सुंदर और बहुत ही सरल से डिज़ाइन है फ्रेंड्स अगर आपने नहीं बनाया तो जरूर एक बार ट्राई कर लीजिएगा डिज़ाइन बहुत अच्छी है ये देखिए ये हो गया दो फंदा छूटा फिर से सॉरी देखिए फिर से अपनी उल्टी साइड और यहाँ से देखिए फिर से इसको उतारा दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस अब दस फंदे बनाए दो फंदे यहाँ पे फिर से हमने छोड़ दिए और यहीं से वापस हो जाएंगे जो जैसे उसको वैसे बना लेंगे ठीक है तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें येलो वाले दो दो करके छोड़ने हैं फंदे तो यहाँ पे ये जो हमारे अभी दस फंदे बचे हैं इनको भी हमें दो दो के जोड़े में छोड़ देने हैं तो चलिए हम छोड़ लेते कुछ फंदे चार फंदे जब हमारे ऊपर वाले बचेंगे येलो के तब मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे दो दो करते हुए देखिए येलो वाले फंदों को भी छोड़ दिया हमारे पास अब ये ऊपर में केवल ये चार फंदे बचे हुए बाकी यहाँ तक के फंदे हमने जो है छोड़ लिए ठीक है अब देखिए क्या करना है यहाँ से अभी चार फंदे हैं तो देखिए एक इसको उतारा और ये दो दो फंदे बना लिए ये दो फंदे हमने फिर से छोड़ दिए और फिर से ये पे हो जाएंगे वापस और यहाँ से सॉरी और यहाँ से फिर से एक मिनट अब इसको देखिए उल्टा और इसको पीछे करके ये वाला फंदा सीधा ठीक है तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे फंदे जो हैं दो दो के जोड़े में छूट चुके हैं है ना ये टोटल हमारे अठाईस फंदे दो दो के जोड़े में छूट चुके हैं अब देखिए क्या करना है अब यहाँ से डिजाइन जो है फिर से थोड़ी सी चेंज हो जाएगी अब यहाँ पे जो हमारे ब्लू कलर का ये ऊन लगा है अब हम इसको यहाँ ला के सारे फंदों को हम ब्लू से बना देंगे जो हमने दो दो करके छोड़े हैं येलो भी और ब्लू तो ब्लू ही ठीक है तो अब देखिए क्या करना अब यहाँ से ये वाले ऊन को हम ढीला ही लेकर के आना है आपको ठीक है तो ढीला ही रखिएगा इसको येलो को ऐसे टाइट कर लीजिए फिर ऐसे अब ये देखिए इसको ऐसे भी जैसे फंसा लीजिए ठीक है ये देखिए अब से जैसे दो, दो तीन दिन फंदे बनाने के बाद इसको देखिए कैसे फंसाते हैं ऐसे इसमें लेना है उसके बाद इसको ऐसे ऊपर करके ऐसे बना लेना है तो इससे क्या होगा ना कि बहुत ही सफाई के साथ आपका बन के आएगा देखने में भी अच्छा लगेगा पीछे से ये देखिए ये हो गया ये देखिए तो यहाँ पे ये देखिए सारे फंदे बन गए अब यहाँ पे गैप है तो गैप के लिए यहाँ से फ्रेंड्स आपको येलो कलर का फंदा उठाना है ठीक है येलो कलर का उठा करके अब ये जो दो फंदे हैं इसमें से ये एक फंदा ले करके ऐसे दो का एक कर दीजिए और देखिए यहाँ पे सारे फंदे बस जब येलो और ब्लू का जब रहेगा गैप उसमें बस फंदे उठाना बाकी आप ऐसे ही बना लीजिए तो ये पूरा नीचे तक आपको बनाना है ये देखिए हमने पूरा यहाँ तक बना लिया ठीक है ये देखिए तो ये कुछ इस तरीके से बन के आया है तो बहुत सुंदर लगता है और फिर इसको देखिए अभी इधर से इसको उतार लेंगे नहीं तो सर्कल बहुत बड़ा होने लगेगा बाकी सीधे साइड से पूरे फंदों को जो अट्ठाईस फंदे हमारे हैं इनको ऐसे ही बनाएंगे ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये पुल फंदा हो गया इसको पीछे करके ये ब्लू फंदा इसको हम ऐसे बना लेंगे ठीक है तो ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया अब यहाँ से जो है मल्टी कलर हम बना रहे हैं तो हम यहाँ पे फिर से अब कलर को जो है पीछे साइड से अब चेंज करेंगे ठीक है अब ये देखिए बिल्कुल वही हो गया जब हमने यहाँ पे फंदे डाले थे उसके बाद एक सिलाई बनाया था हमने ठीक है अब यहाँ पे हमें देखिए कुछ नहीं करना अब यहाँ से हम फिर से दूसरा कलर चेंज करेंगे ठीक है और ये वाले उनको जो है थोड़ा सा लंबा करके यहीं पर फंसा करके इसको नॉट लगा लीजिएगा या इसी में अपना जो दूसरा ऊन फंसाएँगे इसी में कर लीजिए ठीक है तो चलिए देखिए अब क्या करना अब यहाँ पे हम लगाते हैं अपना आ, ये कलर लगा लेते हैं अपना ये ब्लू कलर ठीक है तो अब देखिए यहाँ से हम अपना कलर चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे मल्टी कलर है अगर आगर आगर आपको मल्टी कलर नहीं बनाना है केवल दो ही कलर में बनाना है तो यहाँ पे आपको उनको कट नहीं करना है यहीं से फिर से आपको उनको लगा लेना लेकिन मैं, मैं मल्टी कलर बना रही हूँ तो यहाँ से उनको मैं फिर से चेंज करूँगी ठीक है तो ये देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये मैंने उनको कट कर लिया और यहीं पर अब इसको मैं नोट लगा लेती हूँ आपको जैसे सुविधा लगे आपको नोट लगाना लगाइए नहीं तो फिर यहाँ पे उनको यहाँ पे फंसा लीजिएगा फिर से ब्लू कलर में अपना नोट लगा लीजिए ठीक है अगर आपको ऐसे दिक्कत होती है तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया अगर आपको इसमें करना अब देखिए क्या करना है अब यहाँ से फिर से हम अब ये मेरी बारी जो है अब ये वाली जो मैंने ब्लू कलर ये वाला लगाया लाइट ब्लू इससे बनाएंगे तो ये देखिए एक दो दो मैंने बना लिया और यहाँ पे देखिए और इसको फंसाना है ठीक है ये यहीं पे रहेगा और ये देखिए अब सारे फंदे जो है ब्लू से बनेंगे तो अब इसको फंसा लेते हैं बीच में ये जो ऊन हमारा है इसको फंसा लेते हैं और बाद में आप चाहिए तो कट भी कर सकते हैं बाकी देखिए यहाँ पर अब अब हमारा ये वाला हो चुका ब्लू अब ये लाइट ब्लू के साथ बनाएंगे हम ठीक है बाकी यहाँ पे जो जैसे है वैसे बनाते हुए दो फंदे नीचे में फिर से हम छोड़ेंगे तो डिज़ाइन सेम है तरीका भी सेम है बस कलर को चेंज करते हुए आपको बनाना है ठीक है तो यहाँ पे दूसरी कली की भी स्टार्टिंग कर दी मैंने दो फंदा छोड़ दिया फिर यहीं से हो जाएंगे वापस हो. यहाँ पर फिर से फिर जो जैसे है बिल्कुल उसको वैसे ही बनाएंगे ठीक है बस अब हमें येलो की जगह पे अब हमारे ये ग्रीन कलर लगेगा सॉरी ये ब्लू कलर लगेगा ठीक है देखिए तो काफ़ी सुंदर है और यहाँ से सीधे साइड से जो जैसे उसको ऐसे ही बना लेना है ठीक है फिर पीछे साइड में जब हम आएंगे तो फिर हम दो फंदे नीचे की ओर आएंगे तो फिर यहाँ पे हम अपने लाइट ब्लू यहाँ पे करेंगे और बाकी सब फंदों को बनाएंगे दो फंदे छोड़ देंगे तो ऐसे छोड़ते हुए बराबर फंदे चौदह हमारे ये ये ब्लू वाले चौदह हो जाएंगे और यहाँ पर ये डार्क ब्लू वाले चौदह हो जाएंगे फिर हमें यहाँ पे अपने जो लाइट ब्लू है उसमें से दो दो करके फंदों को छोड़ना है ठीक है फिर जब सारे फंदे यहाँ तक छूट जाएंगे दो फंदे रह जाएंगे तो सारे फंदों को डार्क ब्लू से बना लेना है ठीक है तो कुछ इस तरीके से डिजाइन बनेगा फ्रेंड्स तो चलिए बना लीजिए और मैं भी थोड़ा सा बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बाय बाय